हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वाइट ग्लोब एजुकेशन। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे NMC के नए गाइडलाइन को लेकर। सभी स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी कंफ्यूजन था कि NMC की नई गाइडलाइन क्या है और इसका नीट 2023 की काउंसलिंग पे क्या असर पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैं पॉइंट वाइज और बहुत ही आसान भाषा में आपको इस नई गाइडलाइन को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एज क्राइटेरिया से। पहले तक 2023 तक जो नियम थे वो ये थे कि आपके 17 साल कंप्लीट होने चाहिए 31 दिसंबर तक, लेकिन नए गाइडलाइंस में इसको बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया था। लेकिन कल ही NMC ने इस पॉइंट पे अपना एक क्लैरिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कि साफ साफ बताया गया है कि 31 जनवरी को 31 दिसंबर ही पढ़ा जाए, ये सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो इस गाइडलाइन के मुताबिक एज लिमिट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ अपर एज लिमिट क्राइटेरिया में भी कोई बदलाव नहीं है। आप किसी भी उम्र तक नीट के एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है एलिजिबिलिटी का। तो आपको प्लस टू में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश होना कंपलसरी बताया गया है। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपके PCB में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपके मार्क्स मिनिमम 45% होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। NMC के इस गाइडलाइन में ये बताया गया है कि आपको मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट क्वालिफाई करना मस्ट है। फिर चाहे आप MBBS में, BDS में, BAMS, BHMS या फिर अब्रॉड में ही एडमिशन क्यों ना ले रहे हों, आपका उस साल का नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसके बाद इस गाइडलाइन में जो नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है वो है टाई ब्रेकिंग रूल। पहले के नियम के मुताबिक अगर दो स्टूडेंट के सेम मार्क्स होते थे तो बायोलॉजी के मार्क्स को प्रेफरेंस दी जाती थी रैंकिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर दो बच्चों के 500 मार्क्स हैं तो जिस बच्चे का बायोलॉजी में मार्क्स ज़्यादा होता था उसे रैंकिंग में प्रेफरेंस मिलती थी। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब फिजिक्स के मार्क्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर फिजिक्स में मार्क्स सेम है तो केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे, केमिस्ट्री के मार्क्स भी अगर सेम होंगे तो बायोलॉजी के मार्क्स देखे जाएंगे, और अगर तीनों ही सब्जेक्ट में मार्क्स सेम होंगे तो कंप्यूटर द्वारा लॉटरी सिस्टम से रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। कल NMC ने इस पॉइंट पे भी अपना क्लेरिफिकेशन दिया है कि ये टाई ब्रेकिंग रूल जो है वो सत्र 2024 से लागू होगा। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सबसे बड़े बदलाव जो कि काउंसलिंग को लेकर आया है। पहले दो काउंसलिंग होती थी, एक तो ऑल इंडिया कोटा 15% गवर्नमेंट सीट और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, जिसकी काउंसलिंग MCC कराती थी। दूसरी जो 85% गवर्नमेंट की सीट बची थी और स्टेट प्राइवेट कॉलेज, उनकी काउंसलिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कराती थी जिस स्टेट में वो कॉलेज आते थे। लेकिन इस नए नियम के मुताबिक अब सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको एक कॉमन काउंसलिंग ही अटेंड करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग के में जाने के कारण बहुत सी डेट मिस हो जाती थी। हर जगह की काउंसलिंग के लिए आपको अलग अलग सिक्योरिटी फीस भी देनी होती थी। तो इन सब के लिए NMC ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म ला दिया है जिसपे कि आप काउंसलिंग करेंगे। बहुत से स्टूडेंट के मन में अभी भी सवाल था कि क्या काउंसलिंग सिर्फ एक ही राउंड की होगी, तो जी नहीं, इस कॉमन काउंसलिंग में भी मल्टीपल राउंड होंगे। इस कॉमन काउंसलिंग से काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी और ट्रांसपेरेंट भी। कॉमन काउंसलिंग की प्रक्रिया को लागू होने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, क्योंकि NMC
हर स्टेट से फीडबैक ले रही है, इनपुट ले रही है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अलग अलग क्राइटेरिया होती है एडमिशन को लेके, हर स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी भी अलग अलग है, तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म में लाने में हो सकता है थोड़ा समय लगे। संभावना ये भी है कि ये अगले साल से लागू हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा स्टेप है अगर सरकार सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक कॉमन काउंसलिंग लाती है तो। इसी गैजेट के चैप्टर 3 में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि अगर कोई कॉलेज UGMEB के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके कोई एडमिशन लेता है तो उस कॉलेज के ऊपर 1 करोड़ की पेनाल्टी या पूरे कोर्स की फीस जो ज़्यादा होगी वो वसूला जाएगा। अगर ये गलती दोबारा होती है तो फाइन की राशि दोगुनी कर दी जाएगी या उस कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर दी जा सकती है। इसी गैजेट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी बताया गया है कि नीट का एग्ज़ाम जो अब तक NTA लेता था, अब या तो NMC खुद लेगी या किसी दूसरे एजेंसी को हायर करके ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। फ्रेंड्स, अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि इंडिया में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गई है, आसान भी हो गई है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सीट बढ़ेंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया की जटिलता ख़त्म होगी, तो इंडिया में भी मेडिकल एजुकेशन काफ़ी आसान और अफोर्डेबल हो जाएगा। तो ये काफ़ी वेलकमिंग स्टेप है NMC का, हम सबको इस स्टेप का स्वागत करना चाहिए। इसके साथ ही साथ वाइज ग्लोब एजुकेशन की पूरी टीम हमेशा रेडी है आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में हेल्प करने के लिए। आप अपने नीट स्कोर हमारे साथ शेयर करें, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आपके स्कोर पे किस मेडिकल कॉलेज में आपको दाखिला मिल सकता है, उसके एडमिशन प्रोसीजर क्या होंगे, कॉलेज की फ़ीस क्या होगी, कोई हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं है, ये सारी जानकारी हमारी एक्सपर्ट टीम आपको देगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं या हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपने YouTube चैनल पे भी डाल रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।